हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बेसिक सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज और सिविल इंजीनियर मस्ट नो दिस पॉइंट। दोस्तों, ऐसे पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो हर एक सिविल इंजीनियर को एटलीस्ट पता होने चाहिए। तो वो पॉइंट कौन सा है दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कॉन्क्रीट ग्रेड। हमें पता है कि कॉन्क्रीट अलग अलग ग्रेड का आता है, M5 से लेके उसके अब बहुत ज़्यादा M70 का, जब तक 70 का भी कॉन्क्रीट बन चुका है। बट M5 से M20 तक का जो कॉन्क्रीट है उसकी दोस्तों मिक्स डिज़ाइन होती है, उसका रेशियो हमें पता है। और उसके आगे जो होता है M25, M30, M35, उसकी जो दोस्तों मिक्स डिज़ाइन हमें करनी पड़ती है। तो M5 का हम ले सकते हैं 1 जैम 5 जैम 10। इसके अंदर दोस्तों 1 क्या होता है, सीमेंट होता है, ये होता है सैंड, ये होता है एग्रीगेट का पार्ट। M7.5 अगर आप बना रहे तो आपको लेना पड़ेगा 1 जैम 4 जैम 8। M10 अगर आप बना रहे तो 1 जैम 3 जैम 6। M15 कॉन्क्रीट अगर आप बना रहे तो उसका रेशियो आपको लेना पड़ेगा 1 जैम 2 जैम 4। M20 के लिए आप ले सकते हैं 1 जैम 1.5 जैम 3। और M25 की आप मिक्स डिज़ाइन भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप ये जो रेशियो है 1 जैम 1 जैम 2, ये भी आप ले सकते हैं, राइट। ये था कॉन्क्रीट ग्रेड अलग अलग जो हम स्टैंडर्ड है, ये आप ग्रेड लेके कॉन्क्रीट बना सकते हैं M20 तक। M25 से आगे आपको मिक्स डिज़ाइन करानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो क्लियर कवर जो है मेन रेनफोर्समेंट में, उसमें अंदर दोस्तों कवर कितना प्रोवाइड करें, तो फुटिंग में मिनिमम कवर हमारा होता है 50 mm। रैप फाउंडेशन का टॉप का जो कवर है 50 mm, बॉटम और साइड का कवर आपको लेना पड़ेगा 75 mm। कॉलम का कवर आपको लेना पड़ेगा 40 mm। ऑल साइड शेयर वॉल अगर है उसका मिनिमम जो कवर आपको लेना पड़ेगा 25 mm। बीम में भी 25 mm होता है, स्लैब में 15 mm मिनिमम होता है। फ्लैट स्लैब अगर आप बना रहे तो 20 mm मिनिमम कवर उसे प्रोवाइड करना पड़ता है। स्टेयरकेस में भी दोस्तों 15 mm कवर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। रिटेनिंग वॉल में 20-25 mm आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में भी दोस्तों मिनिमम 20-30 mm का कवर आपको देना पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों कवर होते हैं सीमेंट मोर्टार के बने होते हैं, ये हमें कवर यूज़ कर सकते हैं, राइट। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है दोस्तों हमारा वेट ऑफ स्टील पर मीटर, मतलब यूनिट वेट। तो ये यूनिट वेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी क्वांटिटी निकाले, कटिंग लेंथ निकाले या फिर BBS बनाए, बार बेंडिंग शेड्यूल बनाए, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये आपको याद होने चाहिए कि 6 mm का यूनिट वेट 0.222 kg, राइट। फिर 8 mm का 0.395 kg, 10 mm का 0.616 kg, 12 mm का 0.888 kg, 16 mm का 1.578 kg, 20 mm का 2.46 kg, 25 mm का 385 kg, 32 mm का 6.31 kg, 40 mm का 9.86 kg, राइट। ये यूनिट वेट अगर आप याद रख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा। या फिर हमारे पास उसका इक्वेशन है D² / 162 से भी आप कर सकते हैं, राइट। बट अगर याद होगा तो आपका जो कैलकुलेशन है दोस्तों बहुत फटाफट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यूनिट वेट ऑफ मटेरियल। दोस्तों अलग अलग जो मटेरियल होते हैं, राइट, जैसे कि कॉन्क्रीट है, ब्रिक है, सीमेंट है, स्टील है, उसका भी यूनिट वेट हमें पता होना चाहिए। कॉन्क्रीट का यूनिट वेट है 25 kg/m³, ये RCC का है, और PCC का देखा जाए तो 24 kg/m³ होता है। ब्रिक का जो यूनिट वेट है वो 19 kg/m³। स्टील का यूनिट वेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7850 kg/m³। वाटर का यूनिट वेट हमको पता है 1000 L/m³। सीमेंट का वेट दोस्तों 1440 kg/m³ होता है। वुड का 1100 kg/m³ होता है, राइट। तो ये दोस्तों है यूनिट वेट अलग अलग मटेरियल की, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी सिविल इंजीनियर को ये जो यूनिट वेट है वो पता होने चाहिए। इंटरव्यू में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों स्लम की बात करें तो स्लम जो है IS 456 के हिसाब से वो होता है लाइट रेनफोर्स कंक्रीट हो तो 25-75 mm, हैवली रेनफोर्स कंक्रीट हो उसमें अंदर 75-100 mm, ब्रिज है, रिटेनिंग वॉल है, उसके अंदर स्लम थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। और ट्रेंच फिलिंग मतलब आप क्रीमी पाइप से या C2 कंक्रीट करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लब की जरूरत पड़ती है, 100-150 mm होना चाहिए, और उसके अंदर 200 वाइब्रेटर का हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। उसके बाद दोस्तों स्टैंडर्ड कन्वर्जेशन फैक्टर भी आपको याद होने चाहिए, जैसे कि 1 इंच बराबर 25.4 mm होता है, 1 फुट बराबर 0.308 m होता है, 1 यार्ड बराबर 0.9144 m होता है, 1 माइल बराबर होता है 1.6093 km, 1 एकर बराबर होता है 0.4047 hectare, 1 पाउंड जो होता है 0.4536 kg के बराबर होता है, 1 मीटर जो दोस्तों 3.28 फुट के करीब होता है, राइट। ये थोड़े बहुत कन्वर्जेशन फैक्टर है जो आपको याद होने चाहिए।
उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब दोस्तों हमारी होनी चाहिए 125 mm एज पर IS 456। वाटर अब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी मोर देन 15% फॉर ब्रिक। ब्रिक के अंदर वाटर अब्जॉर्प्शन जो है दोस्तों 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डायमेंशन टॉलरेंस की बात करें तो क्यूब का जो डायमेंशन है प्लस और माइनस 2 mm से ज़्यादा हमारा जो क्यूब का डायमेंशन चेंज नहीं होना चाहिए। लैपिंग इज नॉट अलाउड फॉर द बार हैविंग द डायमीटर मोर देन 36 mm। दोस्तों हम जो लैपिंग करते हैं बार्स के अंदर वो 36 mm डायमीटर से ज़्यादा अगर आपका स्टील है उसका डाया है तो उसमें आप लैपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। चेयर स्पेसिंग मैक्सिमम इज 1 meter राइट और 1 per 1 meter square। दोस्तों हमारी चेयर जो स्पेसिंग है दोस्तों जहाँ उसका ज़्यादा स्पेसिंग नहीं रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 meter का हमें उसे स्पेसिंग रखना है या फिर 1 per meter square का हमें उसे स्पेसिंग यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों डोवेल बार की बात करें तो मिनिमम हमें 12 mm डायमीटर यूज़ करना पड़ेगा। डोवेल बार जो हम यूज़ करते हैं कॉलम में राइट उसके अंदर मिनिमम 12 mm का हमें यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद चेयर मिनिमम ऑफ 12 mm डायमीटर टू बी यूज। जो दोस्तों हम चेयर जो यूज़ करते हैं उसका मिनिमम डायमीटर 12 mm होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट नॉट लेस देन 0.8% एंड मोर देन 6% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो दोस्तों हम लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं स्लैब के अंदर राइट वो 0.8% से कम नहीं होना चाहिए और 6% ऑफ ग्रॉस एरिया के करीब होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम बार फॉर स्क्वायर कॉलम इज 4 and 6 फॉर सर्कुलर कॉलम। दोस्तों हम मिनिमम बार जो यूज़ करते हैं स्क्वायर में मिनिमम 4 bars होने चाहिए और 6 और जो सर्कुलर है उसके अंदर 6 bar जो है वो मिनिमम होने चाहिए। मेन बार इन दी स्लैब शॉल नॉट बी लेस देन 8 mm और 10 mm एंड डिस्ट्रीब्यूशन नॉट लेस देन 8 mm और नॉट मोर देन 1/8 ऑफ स्लैब थिकनेस। दोस्तों मेन बार जो हम यूज़ करते हैं वो 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। HYSD अगर आप यूज़ करेंगे, प्लेन अगर यूज़ करेंगे तो आपको मिनिमम 10 mm बार यूज़ करना पड़ेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मिनिमम हमें 8 mm लेना है या फिर 1/8, दोनों में से जो ज़्यादा हो वो हम लेना, वो डाया का बार हमें यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद ओके दोस्तों ये था मेरा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सिविल इंजीनियर। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और विजिट कीजिए मेरी जो वेबसाइट है civconcept.com, वहाँ पर भी आपको इससे से अच्छे आर्टिकल और सिविल इंजीनियर नॉलेज जो है दोस्तों आपको मिलेगा। Thank you for watching my video. Please subscribe my channel CV Concept.